करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों के सम्मान में एक अनोखी पहल की जा रही है राजस्थान सरकार और शहीद सम्मान समिति की तरफ से। जी हां, 26 जुलाई 2024 को करगिल की 25वीं वर्षगांठ है, जिसमें 11:25 पर मौन धारण किया जाएगा और सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की जाएगी कि उस दिन उस समय पर राष्ट्रीय गान आयोजित किया जाए। और इसके अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, और इसी के साथ साथ कर्नल देवानंद की पहल के साथ साथ शहीद सम्मान समिति की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसके पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में भी कई वीरांगनाओं के साथ साथ शिक्षा मंत्री हमारे मदन लाल दिलावर जी भी मौजूद रहे, और किस तरीके से वीरांगनाओं को एक अलग ही एहसास उन्होंने देने की कोशिश की, वो सब आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद, और आप देखिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, क्या कहा कर्नल देवानंद ने और क्या कहा वीरांगनाओं ने। 26 तारीख को जो वीरांगनाएं हैं उनको भी सम्मान देते हुए पूर्व सैनिकों के साथ एक नया काम करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो राष्ट्रगान है वो सबसे ज्यादा लोग है। तो क्या आपका कैसा लग रहा है? ऐसा भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा पूरी दुनिया में। कारगिल दिवस हमारे लिए विजय दिवस है, और उसको हम पूरी धूमधाम से यानी शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में विजय दिवस के रूप में मनाएगा, और 11:25 पर हमारे शिक्षा विभाग के सभी ऑफिसेस विद्यालय 11:25 पर राष्ट्रगान करेगा जनगणमन। ये क्या कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे विशाल राष्ट्रगान एक साथ होना होगा, एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। क्या आपका कहना है कि इस तरह के कदम उठाए जा रहे शिक्षा विभाग? सकारात्मक काम करता है और हम सकारात्मक काम करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं है। हमारे देश की रक्षा करने वाले लोगों ने, जो हमारे दुश्मन देशों ने हमला किया, उसका पटाक्षेप किया, यानी उनको हराया, परास्त किया, वो दिन है। इसलिए हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, उसको हमने कारगिल दिवस कहा है, विजय दिवस कहा है। इसलिए उसको पूरी धूमधाम के साथ, पूरी ताकत के साथ राष्ट्र का गान करेंगे। सर, कारगिल दिवस पर एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और ये तमाम सारे स्कूलों को साथ में लेकर एक अपने आप में रिकॉर्ड कायम करने वाला काम हो रहा है। क्या ये चीज़ है और क्या? मेरा नाम है कर्नल देवानंद, और मैं हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के कारगिल दिवस की सिल्वर जुबली 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में इस बार एक ऐसा कार्यक्रम अनूठा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जितने भी स्कूली संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, जिस प्रकार की हैं, सब में सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि कारगिल के 527 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 11:25 पर राष्ट्रगान का गायन करने का विचार है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान संवाद चैनल ने और राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार की ओर से मदन दिलावर साहब ने इसको औपचारिक तौर पे हमारे को इसकी मान्यता दी है, और उन्होंने कहा है कि हर राजस्थान की स्कूल के अंदर, शिक्षण संस्था के अंदर ये राष्ट्रीय गान का गायन 11:25 पर होगा। तो हम उनका आभार जताते हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जिसको मैं मानता हूँ इतिहास के अंदर पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर एक समय पर देश के नागरिक इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय गान का गायन करेंगे। यहीं पर ही मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं, देखिए कि 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में कारगिल दिवस की यह कार्यक्रम एक हमारे 527 शहीदों को नमन करने के लिए किया जा रहा है, और उसके अंदर हम एक मिनट का मौन रखने का आग्रह है, जैसा राजस्थान सरकार की स्कूलें करेंगी, और जनगण मन का गायन किया जाएगा। मैं चाहता हूं देश भर में हर सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, हर शिक्षण संस्थाएं, हर गैर सरकारी संस्थाएं 11:25 हम भूतपूर्व सैनिकों की और शहीद सम्मान समिति की ओर से आग्रह है, 11:25
मिनट 26 जुलाई के दिन राष्ट्रीय गान का आप गायन करें एक तरह खड़े होकर के, जिससे कि दुनिया में संदेश जा सके कि भारत के माँ भारती के जो शहीद हैं सैनिक 527, उनके साथ देश एक आवाज़ में खड़ा है, ऐसा हमारा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान सरकार का, विशेषकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और वो हमारे इसको लीडर के तौर पे इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। आपके पति उस लड़ाई में शहीद हुए जिसमें कहीं ना कहीं देश का गौरव पूरी तरह से जुड़ा था, और कहीं ना कहीं उस लड़ाई से एक बात सामने आई कि भारत भले ही जवाब देता है, सामने से हमला नहीं करता, लेकिन जब जवाब देता है तो पुरजोर देता है। तो आज उन तमाम सारे सैनिकों की याद में जब इतना बड़ा कार्यक्रम होना जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप और क्या गर्व की अनुभूति है? सर, रियलिटी पहले तो मैं बताऊंगी, मेरा नाम कुसुम है और मैं बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रही हूँ कि चलो हमारे देवानंद सर ने एक बहुत अच्छी मुहिम उठाई कि राष्ट्रगान होना चाहिए और 2 मिनट का मौन व्रत होना चाहिए। जब शहीद होता है ना सर, उस वक्त तो बहुत बड़े वादे होते हैं सरकार की तरफ से और सब आश्वासन देते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उन्हें भूल जाते हैं। सर का ये कदम उठा मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत दिल से आभारी हूँ सर की और अपने मंत्री जी का बहुत आभार करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसके माध्यम से हमें वो चीज़ जिंदा रखा उन्हें एक तरह से। इतनी बड़ी मुहिम अगर पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं ये की जा रही है, जो कि करगिल दिवस पर की जा रही है, आज हम भाजपा के मंत्री जो है उन्होंने भी उसका साथ दिया, क्या मैं राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का, जो उन्होंने इस चीज़ में हमारा सहयोग दिया कि 11-25 पर सभी जगह, सभी स्कूलों में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय गान हो और 2 मिनट का वोन हो, उनका बहुत बहुत आभार। कर्नल देवानंद की ये मुहिम थी तो किस तरीके से ये पूरा भारत में एक बड़ा रिकॉर्ड बनना चाह रहा है? कर्नल देवानंद जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो कारगिल में शहीद हुए, जो धीरे धीरे सरकार उस चीज़ को भूल जाती है, तो कर्नल देवानंद जी उस चीज़ को वापस ला के और जो उनकी शहीद वीरांगनाएं हैं उनको उनका हक दिलाते हैं, उनको उनकी पहचान दिलाते हैं, तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट, ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बनाकर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।